आप देख रहे हैं मैंडर न्यूज डायरी और लगातार हम कोविड 19 को लेके आपको पल पल की खबर जो है वो अपडेट कर रहे हैं। और आज एक फिर मैं आपसे एक दुखद खबर जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। दुखद खबर ये है कि जिस लेडी का आज से दो दिन पहले हमने रेस्क्यू किया था, आपको जो रिपोर्ट दिखाई थी, रेस्क्यू करने के बाद उसे आइसोलेट किया गया था और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रात को उसकी जो है वो मौत हो गई, उसका दम जो है उसने तोड़ दिया। और उसके बाद अगर बात करें तो एक और मेंडर की डेथ रिपोर्ट हुई है जो जीएमसी में हुई है, अड़ी की जो महिला वो रहने वाली थी। और इसके साथ एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ जो है वो नायब तहसीलदार हरनी जिनकी इस कोविड से जो है वो मौत हो गई है। और ये सब जो हम आपको बता रहे हैं ये एक बहुत ही भयानक स्थिति है। और इसी बीच में आज मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ कि उस लावारिस जो है लेडी उसका अंतिम संस्कार कैसे हुआ। वो तस्वीरें बहुत ही खौफनाक तस्वीरें थी, एक ड्रामनी तस्वीरें थी। आप यकीन मानिए कि शमशान घाट में कोई भी आने को तैयार नहीं था। शमशान घाट में केवल वो चार पांच लोग थे, हमारे कोरोना वॉरियर हैं जो पीपी किट्स लगा के उस बॉडी को लेकर आए थे। और साथ में वहां पर एसएचओ मेंडर थे और मैं और मेरे दो मित्र मीडिया के जो है वो वहां पर मौजूद थे। और हमारे साथ थे वहां पे हिंदू सनातन सभा के केवल अकेले बलराम शर्मा। अब उस लेडी का जो अंतिम संस्कार हुआ, हर किसी को जान प्यारी होती है, बहुत ही डरावनी तस्वीर थी। क्या किसी ने सोचा था कि आज इस तरीके की तस्वीरें भी हम देखेंगे? जी नहीं, कभी नहीं सोचा था कि ये पल भी जो है आज हमें देखने को मिलेंगे। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें कहीं और की नहीं, ये आपके मेंडर के शमशान घाट की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे कोरोना वॉरियर आज ये अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज से दो दिन पहले एक मेंटली डिसेबल लेडी का रेस्क्यू किया गया था, जिसके बाद उसे मेंडर के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया जहां वो कोरोना पॉजिटिव पाएगी। कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद ठीक आज रात को उसकी मौत हो गई। अब वो लावारिस थी, ना उसका कोई परिवार, ना उसका कोई जान पहचान का, ना उसकी पहचान, सबको इस बारे में पता चला लेकिन किसी ने कदम नहीं बढ़ाया। कुछ लोगों ने मिलकर इसका आज अंतिम संस्कार किया। इन तस्वीरों से ये हम सबक ले सकते हैं कि ना जाने कब किस पर इस तरीके की आपदा आन पड़े। और हम सबको चाहिए कि बिना किसी जात पात मजहब के हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये डरावनी तस्वीरें बहुत भयानक हैं और अपने आप में ये इंसान को एक शिक्षा दे रही है कि हे इंसान, ऊपर वाला ये बता रहा है कि हे इंसान अभी भी संभल, अभी भी कुछ सीख ले, ना जाने कल कौन सा समय आएगा ये किसी को पता नहीं है। आप यकीन मानिए कि वो जो पीपी किट्स लगा के हमारे कोरोना वॉरियर आए थे मेडिकल डिपार्टमेंट से, उनमें से हमारे एक मुस्लिम भाई जिनका नाम है मीर अहमद, मीर अहमद की आज मैं बात करूंगा कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मीर अहमद को मैं दिल से सल्यूट करता हूं, उनसे सलाम करता हूं कि उस भाई ने अब इंसानियत के नाते जो है अपनी जान की परवाह किए बिना और एक मतलब कि एक अच्छी इंसानियत के बिना किसी हिंदू मुस्लिम या कुछ इस तरीके की सोच विचार करते हुए उसकी चिता को जो है वो अग्नि उन्होंने दी है।
उस चीता को उनका अंतिम संस्कार जो है वो मेयर अहमद ने जो है वो किया है। मैं दिल से उनको सल्यूट करता हूँ कि समाज में ऐसे लोग जो हैं वो एक बहुत बड़ी मिसाल हैं ऐसे लोगों को। और मैं जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हैं उनको साफ तौर पर ये भी आपको बता दूं कि ऐसे लोगों को रिवार्ड करना चाहिए आपको। ये लोग जो है असलियत मीर मोहम्मद लगातार जो है कोविड की जो बाड़ियाँ उठाते हैं और अंतिम संस्कारों में हमेशा उनका एक अहम भूमिका रही है। और मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर जो बाकी के ड्राइवर भाई हैं जो एम्बुलेंसेस चलाते हैं उनका भी काम बहुत ही काबिले तारीफ है। और लेकिन आज ये तस्वीरें जो है सबसे पहले आप देखिएगा कि मेरी ग्राउंड रिपोर्ट मैंने वहां से एक रिपोर्ट जो है वो दिखाई है, जरा आइए देखते हैं वो रिपोर्ट। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तस्वीर, ये चिता जो है वो जल रही है एक लावारिस लेडी। आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर स्थिति है और कोई भी यहाँ शमशान घाट में आने को तैयार नहीं है। और अभी हमने सनातन सभा के प्रेसिडेंट जो हैं बलराम शर्मा से भी बात की। आप यकीन मानो कि इस समय इतना हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि शमशान में किसी को चिता के लिए जो है वो कोई यहाँ तक नहीं आ रहा। और आपको बता दें कि मेडिकल की टीम जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, मीर अहमद का मैं नाम लेना चाहता हूँ कि मीर अहमद को सलाम करते हैं, हम सल्यूट करते हैं कि मीर अहमद किस तरीके से अपनी सर्विस जो है एक अपनी एम्बुलेंस जितनी भी कोविड के केसेस हैं वही उठा रहे हैं, वही ला रहे हैं। बाकी हमारे ड्राइवर भाई भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मीर अहमद की एक जो प्रशंसक तारीफ है कि वो उसने पूरी चीता बनाई ताकि, क्योंकि जान हर किसी को प्यारी होती है, अपनी जान की परवाह किए बिना उसने जो है एक इंसानियत के नाते उसने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन क्या है, और आखिर में उसका जो है क्रीमेशन यहाँ पे करवाया। और मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है कि आप लोग सब सतर्क रहें, अपने घरों में रहें। बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि ये डरावनी तस्वीरें जो हैं ये बहुत ही दिल को छलनी करने वाली, मैं क्या, मेरे पास शब्द नहीं है। अब आप यकीन मानिएगा कि इस बेसहारा लेडी का कोई नहीं था। और आज हालात आप देखिए, उस ऊपर वाले से डरिएगा कि आज इंसान का जो अंतिम संस्कार है वो भी जो है किस प्रकार से हो रहा है, ये तस्वीरें आपको जो है वो दिखाई दे रही हैं। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि कृपया करके आप लोग जो है अपने आप को जितना महफूज हो सके सेफ करें अपने आप को। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये आपने रिपोर्ट देखी, अब रिपोर्ट के बाद मैं आपको बलराम शर्मा का इंटरव्यू सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा, वो भी सुनिएगा। मैं बलराम शर्मा, प्रधान सनातन सभा मेंडर। आज हमारी एक लावारिस लेडी थी जिसकी डेथ हो गई है रात को, लेकिन इससे पहले इसको हमारे कुछ मीडिया वाले हजरात थे, कुछ चंद लोग और थे, उनने इसको रेस्क्यू किया था और हॉस्पिटल में इसको जाके एडमिट किया था आज से 3 दिन पहले। तो अस्पताल में इसका जो है ट्रीटमेंट पूरा चलता रहा, लेकिन रात को तकरीबन 12-1 बजे के बाद इसकी डेथ हो गई। तो आज जो है इसका संस्कार करवा रहे हैं हम मेंडर शमशान घाट पे, लेकिन कोई भी आदमी आने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक SHO साहब हैं और ये मीडिया के हजरात हैं और मेडिकल की टीम है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मेडिकल की जो टीम है, इसका पता नहीं क्या नाम था लड़के का, मीर अहमद जो लड़का है, मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी तारीफ थोड़ी है कि आज से पहले भी जो भी इधर जिसकी भी डेथ हुई है कोरोना वायरस से, तो एक मीर अहमद है वो ड्राइविंग भी चला करता है, वो पूरा उठा के हमारी चिता भी तैयार करता है और कुछ आदमियों का इसे संस्कार भी किया है। तो मैं सब लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ दोनों हाथ जोड़ के कि अगर कोई लावारिस आदमी अगर करता है तो कम से कम 2 या 3 आदमी तो बाहर निकलो, लक्कड़ लाने वाला कोई आदमी नहीं है। मैं पूरी हिंदू बिरादरी से मुसलमान बिरादरी से ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई हिंदू मरे या मुसलमान मरे उसमें जात पात नहीं देखो, सब एकजुट होकर इनका संस्कार करो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महामारी फैली हुई है इतनी ज़ोरों पर चल रही है, मैं सब बिरादरी से ये कहना चाहता हूँ, सनातन की ओर से कहना चाहता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि जितने भी हैं सब मास्क यूज़ करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, और जो भी दुकानदार हैं या बाकी लोग हैं वो जाएं जा के अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट से नहीं डरे, क्योंकि टेस्ट में ये पता चल जाएगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट जो है मेडिकल डिपार्टमेंट करेगी। ये आपने तस्वीरें देखी और रिपोर्ट देखी और अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या हालत हो गई है आज इंसान का, जो आखिरी समय है जहाँ पे उसको लास्ट राइट्स मिलने चाहिए थे
वो किस तरीके से जो है, कितनी भयंकर स्थिति है, कितना मुश्किल भरा दौर है। तो ये रिपोर्ट दिखाने का इसीलिए आपसे मेरी फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेवजह घरों से बाहर मत निकलिएगा, आप लोग अपनी सेफ्टी का जो है वो खास ध्यान रखिएगा, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, अपना कोविड टेस्ट कराइए, और बाजार में भीड़ भाड़ ना लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि हम सब लोग जो है इससे लड़ सकें और अपनी जो है इस कोरोना की जंग जो है हम सब जीत सके, और वो तभी जीती जाएगी जब हम सब इकट्ठे होके ये निर्णय लेंगे, ये फैसला लेंगे। और आखिर में मैं बहुत ही मतलब कि दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि आज जिन लोगों ने जान गंवाई है, आज लगातार तीसरे दिन जो है वो डेथ रिपोर्ट की जा रही हैं। जैसे एक पहले डेथ हुई थी रजौरी जीएमसी में, फिर उसके बाद दो डेथ्स कल हुई थी, दो डेथ्स आज, फिर नाइब साहब की ये जो डेथ का हमें पता चला, बहुत ही अफसोस है। और आपसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, और सभी लोग जो है एक आखिर में एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर हर किसी को जान तो प्यारी होती है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग मिलकर कि एक दूसरे की जो है वो मदद करें, ये आपसे मेरी जो है बार बार वो रिक्वेस्ट है। और अफवाहों पर जो है आप यकीन ना करें। आप देखते रहिए मेंडर न्यूज़ डायरी, और मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सीबीएसई एफिलेटेड केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट, पहली से 12वीं तक का दाखिला शुरू, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट।